डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइक्लो एल्केन्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ स्टार्टिंग में उसकी प्रिपरेशन देखी थी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब बेयर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम पर ये थ्योरी आई थी। तो बेयर ने साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, तो और उसी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इसने ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी दी थी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन 1885 बेयर प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लो एल्केन्स। तो जो फर्स्ट फ्यू साइक्लो एल्केन्स मतलब जो लोअर मेंबर ऑफ साइक्लो एल्केन्स है, यानी कि 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, तो वो कुछ शुरुआती जो साइक्लो एल्केन्स है उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया इसने। तो इसी थ्योरी को कहा गया बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो इसके मेन पॉस्टुलेट्स क्या है या मेन पॉइंट्स क्या है, तो नंबर वन हम देखते हैं द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट रिजिड। रिजिड मीन्स बहुत दृढ़ नहीं है वो। जो वैलेंसीज है कार्बन की, आप लोगों को पता है 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी 4 वैलेंसी दिखाऊं तो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो वैलेंसी बॉन्ड की, मतलब वैलेंसी से आप बॉन्ड समझ सकते हैं, ये बहुत रिजिड नहीं है एंड कैन डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। देखो, जब हम कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाते हैं तो इसका मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3। कार्बन अगर 4 बॉन्ड से अटैच्ड है तो हम उस, और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसको आप कैसे देख सकते हैं, 3p है और 1s है, तो 3 + 1 = 4। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के अराउंड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, 2p और 1s, तो 2 + 1 = 3। और अगर 2 है कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, 1p और 1s, दोनों को मिलाकर 2। तो इस तरह से आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन याद कर सकते हैं उसके सिर्फ सिंगल बॉन्ड को काउंट करके। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, तो इसका मतलब कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं और इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मैंने आपकी यहाँ पर बना दी। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन को ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर मैं ये सब जो कॉर्नर्स हैं इसके, इन सबको मिला दूं, तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है हमारे पास बन के आती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे सपोज मीथेन को मैं बनाना चाहूं, तो मीथेन क्या होगा, यहाँ पर एक एच होगा, यहाँ पर एक एच होगा, ये एक एच होगा, ये एक एच होगा, यानी हर कॉर्नर पर एक एच जो है वो हमें दिखाई देगा। तो जो इनके बीच का एंगल है, मतलब अगर मैं एच, ये सी और ये एच, ठीक है, यानी ये वाले एंगल को अगर बताऊं, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल यहाँ पर 109.5 डिग्री आप इसको बोल सकते हैं, या 109 डिग्री 28 मिनट्स आप इसको बोल सकते हैं। देखो, 109 डिग्री 28 मिनट्स का क्या मतलब होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होती है 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स की 1 डिग्री होती है, तो 109 डिग्री के आगे मैं 28 मिनट्स बोल रही हूँ। 28 मिनट्स को लगभग अगर मैं 30 मिनट्स मान लूं, तो 30 मिनट्स कितनी हो जाएगी, 0.5। तो इसीलिए हम इसको 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं या 109 डिग्री 28 मिनट्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये जो एंगल की मैं बात करती हूँ, तो टेट्राहेड्रल एंगल, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, वो 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी आप एंगल ले ले, चाहे आप इस एंगल की बात करें, चाहे आप इस एंगल की, चाहे आप इस एंगल की। ठीक, तो यहाँ ये कह रहा है कि जो कार्बन की वैलेंसीज है, मतलब ये जो हमने बॉन्ड एंगल्स दिखाए हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, ये दे कैन डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल एंगल, ये अपने इस नॉर्मल एंगल से डेविएट कर जाते हैं। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। ठीक है, यानी जितना ये एंगल है उससे ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जो कार्बन की ये वैलेंसीज हैं, ये कम या ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी एंगल प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। और अगर किसी मॉलिक्यूल में ये जो नॉर्मल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, अगर इसमें कहीं डेविएशन देखने को मिले, डेविएशन मतलब या तो इस नॉर्मल एंगल से कम एंगल देखने को मिले या इस नॉर्मल एंगल से ज्यादा एंगल देखने को मिले, तो उस मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन, स्ट्रेन मींस होता है तनाव, तो उस मॉलिक्यूल में एक तनाव जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और द स्ट्रेन दस डेवलप्ड मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल, और उस तनाव की वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी अस्थायी हो जाता है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल वैलेंसी एंगल द ग्रेटर इज द स्ट्रेन। तो जितना इस नॉर्मल एंगल से डेविएशन होगा उतना ज्यादा उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, या हम ये कहेंगे उसकी अनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी डेविएशन यानी जो होता है विचलन, और विचलन क्या, उस एंगल से कम या ज्यादा एंगल होना। तो डेविएशन जितना ज्यादा होगा स्ट्रेन भी उतना ज्यादा होगा, और स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, अरे मैं कहां पहुंच गई। ठीक, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो डेविएशन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, तो ये या स्ट्रेन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, तो स्ट्रेन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्योंकि अब ये सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल में तनाव पैदा होगा तो भाई वो तो फिर अनस्टेबल होगा ही। ठीक है, ऑल साइक्लिक रिंग्स आर प्लैनर। थर्ड पॉइंट ये कहता है, जितनी भी साइक्लिक रिंग्स है भाई, चाहे हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें, चाहे हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें, या साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन, इन्होंने बोला कि ये साइक्लिक रिंग्स जो होती है वो प्लैनर होती है। यानी ये जितने भी कार्बन एटम इसमें होंगे वो सब एक प्लेन में होंगे, दैट इज ऑल कार्बन एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पॉलीमिथाइलिन रिंग लाइंग इन द सेम प्लेन। पॉलीमिथाइलिन रिंग, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सी बना रही हूँ तो सी एच टू लिखूंगी पूरा। ठीक है, जितने भी कार्बन है वो सब यहाँ पर इस तरह से लिखे जाते हैं, सी एच टू सी एच टू सी एच टू। तो एक सी एच टू को हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, और क्योंकि एक से ज्यादा सी एच टू है सारी रिंग्स में, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये एक पॉलीमिथाइलिन रिंग है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जितने भी कार्बन एटम्स इस रिंग को बना रहे हैं वो सब के सब सेम प्लेन में होंगे। ठीक, फिर बेयर ने क्या करा, बेयर कैलकुलेटेड द एंगल्स थ्रू विच वैलेंस बॉन्ड्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू इन वेरियस रिंग सिस्टम। अलग अलग रिंग सिस्टम में, साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोहेक्सेन में, इसने क्या करा, उन एंगल्स को कैलकुलेट करा कि जिसके थ्रू ये वैलेंस बॉन्ड से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कि मतलब 109 डिग्री से कितना कम या कितना ज्यादा हो रहे हैं, बस उसने उस एंगल को जो है कैलकुलेट करा, और उसी एंगल को ही टर्म्ड दिस डेविएशन एज द एंगल स्ट्रेन, और उसने इस डेविएशन को कहा कि ये एक एंगल स्ट्रेन है, एंड यूज्ड इट, और इसे यूज किया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग सिस्टम, और इसी एंगल स्ट्रेन को उसने यूज किया इन रिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर उसने कहा कि हायर द वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेन, जितना एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग सिस्टम। वही वाली बात है, जितना डेविएशन ज्यादा होगा उतना स्ट्रेन ज्यादा होगा, और स्ट्रेन को उसने एंगल स्ट्रेन बोला, तो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक, अच्छा देखो यहां पर इन्होंने ये दिखा भी रखा है कि इन साइक्लोप्रोपेन, देखो साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल से मतलब क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर जो इसकी के आर्म्स दिखाई दे रही है, यानी जिसको हम भुजाएं बोल देते हैं, ये सारी भुजाएं सेम होती है। ठीक है, इनकी जो लेंथ होगी वो सब सेम होगी, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ने यहां भी बना रखा है, देखो एक कार्बन यहां बनाया हुआ है, ये एक कार्बन है, अरे बाप रे कहाँ जा रहा है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है, और अगर इन दोनों कार्बन को जोड़ दिया जाए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक, और ये तो हमारा साइक्लोप्रोपेन बना, तो इन साइक्लोप्रोपेन द थ्री कार्बन एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के हर कॉर्नर पर तीन कार्बन हैं। ठीक है, देयरफोर कार्बन 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 बॉन्ड एंगल इन इट इज 60 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये एंगल होता है, चाहे हम इस एंगल की बात करें, चाहे हम इस एंगल की बात करें, और चाहे हम इस वाले एंगल की बात करें, ये सब 60 डिग्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स बिटवीन एनी टू वैलेंस बॉन्ड्स इज कंप्रेस्ड टू 60 डिग्री ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, हमने तो बात की थी कि कार्बन, अभी हमने देखा था कि कार्बन का जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है, जैसे यहां पर इस तरह से अगर मैं दिखाऊं, और मैंने अभी सी एच एच सी एच बॉन्ड की बारे में बात की थी, तो अगर हम यहाँ पर ये भी एच लिख दूं और ये भी एच लिख दूं, तो जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना बेटा, ये वाला यहाँ पर एक H था,
ये एक एज था, ये एक एज था और ये मैंने एक, तो मैंने जो ये वाला एंगल बनाया है वो ये वाला एंगल बनाया, इस वाले एंगल को यहां बना दिया, ठीक है। तो मैंने तो बोला था यहां पर 109 डिग्री और 28 मिनट्स, तो वही एंगल ये दिखा रखा है कि 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ठीक है। ये तो था जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक। लेकिन जब ये रिंग बंद होगी, ठीक है, मान लो यहां एच ना होकर मैं दो कार्बन बना दूं, यानी एक सिंपल प्रोपेन बना दूं, जो हम नॉर्मल प्रोपेन की बात करते हैं ना, CH3 फिर CH2 और फिर CH3, ये नॉर्मल प्रोपेन है। और नॉर्मल प्रोपेन को अगर रिंग को बंद कर दिया जाए, यानी कि ये वाला कार्बन कॉर्नर कॉर्नर वाले कार्बन अगर आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास एक थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और ये भी CH2 हो जाएगा। तो जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहां पर अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, हमें यहां पर तो आपको एक सिंगल बॉन्ड तो ये दिख ही रहा है यहां पर, ठीक है। बाकी यहां पर तीन H3 भी, तो मतलब तीन हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, तो तीन हाइड्रोजन से भी उसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया, तो कुल मिलाकर यहां पर चार बॉन्ड है। इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसलिए कार्बन कार्बन और ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब ये नॉर्मल एंगल से, जब ये साइक्लोप्रोपेन बनी, तो साइक्लोप्रोपेन बनी कैसे, अब एंगल हो गया साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री। तो यहां पर भी अगर हम बात करें, देखो साइक्लोप्रोपेन को अगर मैं यहाँ पर ये दिखाऊं, यहाँ कार्बन है और कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, ठीक है। तो कार्बन अभी भी यहां पर sp3 ही हाइब्रिडाइज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। तो एंगल तो यहां पर 109 डिग्री के करीब होना चाहिए था, लेकिन कितना मिल रहा है इसको, 60 डिग्री मिल रहा है खाली। तो यानी कि एंगल यहां पर डेविएट करा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से एंगल जो है अब कम हो गया, तो हम कह सकते हैं यहां पर डेविएशन देखने को मिला। और कितना डेविएशन देखने को मिला, कितना डेविएशन, देखो नॉर्मल एंगल था ये वाला जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ना, डॉटेड लाइन से जो बना रखा है, ये हमारा नॉर्मल एंगल था। मैंने एक्चुअली दोनों ब्लू कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। देखो जो नॉर्मल एंगल था वो ये होना चाहिए था, जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ठीक। और हमें मिल कितना रहा है, हम जो जब साइक्लोप्रोपेन बनी तो ये 60 डिग्री एंगल पर बनी जाकर, ठीक। तो डेविएशन जो हुआ, डेविएशन हुआ इतना, ये वाला जो पोर्शन है वो डेविएशन का हम दिखा रखे हैं, जिसमें 24 डिग्री 44 मिनट्स लिखा हुआ है, इतना डेविएशन हुआ यहां पर। और इस एंगल स्ट्रेन, इसी को बेयर ने एंगल स्ट्रेन बोला, ठीक है। और इस एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये जो 24 डिग्री 44 मिनट्स आया, ये कैसे आया, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो एंगल था वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। कंप्रेस्ड माने थोड़ा सा अंदर को हो गया, वो कंप्रेशन को हिंदी में मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, तो 109 डिग्री से वो कंप्रेस मतलब छोटा हो गया एंगल, ठीक है। तो कंप्रेस हुआ, और कब हुआ, जब नॉर्मल प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन बनी, ठीक। तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर आइदर ऑफ द टू बॉन्ड्स इन्वॉल्व इज बेंट, मुड़ गए वो बेंट, जो जो दो बॉन्ड थे, यानी एक जो ये वाला नंबर वन बॉन्ड अगर मैं इसको लिखूं, और नंबर टू बॉन्ड में है, इसको गजर पजर कर दिया मैंने इतना सारा, पहले तो मैं इसको डिलीट करती हूँ सर। देखो ये जो अब मैं बात कर रही हूं, जो हमारा ये नंबर वन बॉन्ड, यानी इस नंबर वन से इस कार्बन की तरफ जो ये डॉटेड लाइन गई है, और ये जो नंबर टू से इस कार्बन की तरफ भी जो डॉटेड लाइंस गई है, ठीक, यानी ये वाली लाइंस जो गई है और ये वाली लाइंस जो गई है, तो यानी ये जो एंगल हम दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन जब साइक्लोप्रोपेन बनी तो ये कंप्रेस कर गया, यानी ये थोड़ा कम हो गया, और कितना हो गया, ये 60 डिग्री पर हो गया, ठीक। तो इससे क्या हुआ, जो दोनों बॉन्ड्स थे वो बेंट हो गए, बेंट बने वो मुड़ गए, अंदर की साइड आ गए, झुक गए वो अंदर की साइड, और कितना झुके, उसे झुकने का जो फॉर्मूला था वो भी हम बताएंगे, उसको इस तरह से उन्होंने निकाला कि हाफ कर दिया 109 डिग्री 28 मिनट्स में से, 60 डिग्री को माइनस किया तो 24 डिग्री 44 मिनट्स जो है यहाँ पर निकल के आया। तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर ये इतना निकल के आया, ठीक है। देखो नॉर्मल भी आप अगर 109 डिग्री पॉइंट 109.5 डिग्री अगर लिखें, और इसमें से अगर 60 डिग्री माइनस करेंगे ना, तो इसको आप 60 डिग्री को नॉर्मली भी अगर आप माइनस करने लग जाए, तो लगभग लगभग ये कितना बैठेगा, देखो 0.5 तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। यहां से अगर मैं 60 माइनस करने लग जाऊं तो कितना आ जाएगा, ये 9,
और ये हो जाएगा 49.5 डिग्री, और 49.5 डिग्री को अगर हाफ कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएंगे और 2 4 8, तो वही 24 डिग्री का निकलेगा लगभग लगभग, ठीक है। तो वो ये 24 डिग्री का ही तो निकल के आ रहा है अगर मैं 109.5 डिग्री मान रही हूँ। तो हम यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट्स ले रहे हैं, मैं 30 मिनट्स मान के चलती हूँ तभी वो 0.5 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो आप नॉर्मली भी अगर आप माइनस करने लग जाएं तो जो ये जो माइनस करके आया ना 49.5 डिग्री, बस इसी को एंगल स्ट्रेन बोला गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखो, निकाला भी तो इसने ऐसे ही है, 109 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस किया और 1/2 क्यों किया, क्योंकि हमने यहां पर ये जो है दो बॉन्ड्स यहां पर इन्वॉल्व करें, ये दोनों बॉन्ड्स से तो बेंट हुए, तो दोनों बॉन्ड्स कितना बेंट हुए, तो 49 डिग्री में से आधा इधर चला गया होगा और आधा इधर चला गया होगा, इसलिए ये 24 डिग्री 44 मिनट्स हमने इसको बोला, ठीक है। तो इन जनरल इफ अ रिंग सिस्टम पजेसेस एन कार्बन एटम्स, अगर किसी रिंग सिस्टम में इतने कार्बन एटम्स हो, जितने भी कार्बन एटम्स है, एन है यहाँ पर कार्बन एटम्स का नंबर, तो डेविएशन ऑफ इट्स वैलेंस बॉन्ड्स फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, यानी जो एंगल स्ट्रेन होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि 1/2 करेंगे, अंदर 109 डिग्री 28 मिनट्स लिखेंगे, माइनस 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन लिखेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है एक्चुअल में कार्बन 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 एंगल, ठीक है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर n का क्या नंबर होगा, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप किसी भी साइक्लोएल्केन का एंगल स्ट्रेन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि आपने यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है नेक्स्ट वाली इसमें कि जो टेबल है, टेबल में क्या साइक्लोएल्केन, जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन है, अब साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा कार्बन कार्बन एंगल है वो कितना होता है, वो 60 डिग्री, वो कैसे निकाला, उसका निकालने का फॉर्मूला होता है ये कि 180 डिग्री में से हमने माइनस किया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या है यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, तो इसलिए एन की जगह यहाँ पर 3 रख दिया, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। फिर साइक्लोब्यूटेन में एन का नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि कार्बन का नंबर हो गया 4, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऐसे साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन एटम हो गए, फिर साइक्लोहेक्सेन में 6 हो जाएंगे, साइक्लोहेप्टेन में 7 और साइक्लोऑक्टेन में 8। तो इस तरह से आप एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और इसी एंगल स्ट्रेन को आपको माइनस करना है 109 डिग्री 28 मिनट्स में। तो एंगल स्ट्रेन आपके सामने यहाँ निकाल के आया हुआ है, साइक्लोप्रोपेन का होता है प्लस 24 डिग्री 44 मिनट्स, फिर साइक्लोब्यूटेन का है प्लस 9 डिग्री 44 मिनट्स, फिर साइक्लोपेंटेन का है प्लस 0 डिग्री 44 मिनट्स, और फिर जो ये आगे है साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन, ये सब भी लिखे हुए हैं, माइनस में है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, द प्लस साइन इंडिकेट्स दैट द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर बेंट इनवर्ड, अंदर की तरफ बेंट हुए हैं, कि अगर हमारा जो एक नॉर्मल एंगल ऐसे था तो जब बेंट हुए, ये बेंट होना, बेंट इनवर्ड्स का मतलब ये अंदर की साइड बेंट हुए, यानी नॉर्मल था ये वाला, ठीक है, और उससे ये अंदर की तरफ चलेगा, ये सब अंदर की तरफ गए हैं, ठीक है। और अगर हमारा नॉर्मल एंगल था ये वाला, और इससे अगर ये बाहर की साइड चले जाते, यानी ये डेविएशन ऐसा होता बाहर की साइड, तब हम इसमें माइनस साइन लगाएंगे। तो प्लस साइन दिखा रहा है कि कंप्रेस हुआ है बॉन्ड, और माइनस साइन दिखा रहा है कि वाइड हुआ है बॉन्ड जो है थोड़ा सा चौड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बेंड हो गया था, इस केस में बेंट हुआ था और इस केस में जो है वो वाइड हो गया, यानी कि चौड़ा हो गया है बॉन्ड। तो प्लस का मतलब होता है अंदर की साइड आ जाना बॉन्ड का, और माइनस साइन का मतलब होता है बाहर की साइड चले जाना, ठीक है। तो द साइन ऑफ द एंगल स्ट्रेन हैज नथिंग टू डू विद द स्ट्रेन ऑफ द रिंग, तो इस प्लस और माइनस साइन का एंगल स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ एंगल को ये बता रहा है, एंगल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड कि कितना उसमें एंगल स्ट्रेन आया है, अंदर की तरफ आया है बॉन्ड या बाहर की तरफ गया है बॉन्ड, बस सिर्फ इतनी सी बात इसमें यहाँ बताई गई है, ठीक। अच्छा, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट साइक्लोप्रोपेन हैज द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, ये तो बात सही है कि यहाँ पर अगर हम देखें डेविएशन, तो सबसे ज्यादा डेविएशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, साइक्लोप्रोपेन के केस में, क्योंकि वहां पर प्लस 24 डिग्री 44 मिनट्स आया, बाकी सब में 24 कहीं पर भी नहीं है, 24 से कम ही है बाकी सब में, ठीक। तो therefore according to Bayer strain theory it should be a highly strained molecule, तो क्योंकि बेयर ने ये कहा था जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा
उसमें मतलब जिसमें जितना ज्यादा डेविएशन होगा उसमें उतना ज्यादा स्ट्रेन भी होगा। तो क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा डेविएशन देखने को मिला इसलिए वो हाईली स्ट्रेन भी है, और जब जो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल भी होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली मोस्ट अनस्टेबल, और इसीलिए साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल भी होना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा पाया भी गया कि साइक्लोप्रोपेन इज रियली फाउंड टू बी क्वाइट अनस्टेबल। तो जो देखो एक चीज और भी चीज है, देखो साइक्लोप्रोपेन ये है, अब मैं ये कह रही हूं कि इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, और क्योंकि एंगल स्ट्रेन है तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब अगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ये जिस कंडीशन में ये ऐसे नहीं रहेगी, ये रिंग जो है खुलना चाहेगी, खुलेगी मतलब खुलेगी कैसे, जब ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास क्या, ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो ऐसे यहाँ पर एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो ये रिंग यहाँ पर खुल जाएगी, तो एक नॉर्मल मतलब एल्केन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल जो कहते हैं ना कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर रिंग अनस्टेबल होती है तो रिंग जो है खुलना चाहेगी, यानी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऐसा हमने साइक्लोप्रोपेन के केस में पाया भी कि साइक्लोप्रोपेन बहुत सारी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दे देती है, और बहुत इजीली वो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देती है क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल होती है। तो द डेविएशन इज कंपैरेटिवली लेस इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन, और अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो वहां पर कंपैरेटिवली लेस था, ये था +9°44', तो 24° के कंपैरिजन में 9° तो बहुत ही कम था। तो इससे क्या होगा, क्योंकि कम था थोड़ा सा स्ट्रेन यहाँ पर, डेविएशन बहुत कम था, तो इसलिए देयरफॉर इट पजेसेस लेस स्ट्रेन, इसीलिए उसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेन था, और जब उसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेन था तो इसलिए थोड़ी सी कम अनस्टेबल हुई होगी, और अगर कम अनस्टेबल हुई होगी तो ज्यादा स्टेबल हुई होगी, तो दे शुड बी मोर स्टेबल, इसलिए कंपैरेटिवली वो मोर स्टेबल है। और ऐसा एक्चुअल में पाया भी गया कि साइक्लोब्यूटेन इज रियली फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जितना इजिली रिंग ओपनिंग रिएक्शन देती है, साइक्लोब्यूटेन उतना इजिली नहीं देती है, थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन में वो रिंग ओपन करती है अपनी। फिर द एंगल स्ट्रेन फॉर साइक्लोपेंटेन इज मिनिमम, अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो वहां पर सिर्फ 0° था, 44 मिनट्स का था खाली, ठीक है, तो उसमें तो और भी कम हुआ, तो इसका मतलब साइक्लोपेंटेन में स्ट्रेन डेविएशन कम हुआ, तो इसका मतलब एंगल स्ट्रेन कम हुआ, और एंगल स्ट्रेन कम हुआ तो इससे हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल पाई गई इन कंपैरिजन टू साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो देयरफॉर इट शुड हैव लेस लीस्ट स्ट्रेन एंड शुड बी मोस्ट स्टेबल। और फिर हम अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन पजेसेस स्लाइटली हायर एंगल स्ट्रेन एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन। अब देखते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का कितना आया, साइक्लोहेक्सेन का आया -5°16, तो माइनस से तो हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब है जो बॉन्ड है वो बाहर की तरफ डेविएट हुआ, ठीक है, तो 5° तो 0° अगर हम साइक्लोपेंटेन से कंपैरिजन करें, साइक्लोपेंटेन में था 0°, साइक्लोहेक्सेन में देखा 5°, फिर अगर हम साइक्लोहेप्टेन देख रहे हैं तो वहां पर और बढ़ गया 9°, फिर साइक्लोऑक्टेन में और बढ़ गया 12°, तो साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ गया तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि डेविएशन बढ़ा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा, और एंगल स्ट्रेन बढ़ा तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में ये जो हायर मेंबर्स हैं, ये जो साइक्लोहेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, ये ज्यादा अनस्टेबल होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोहेक्सेन एंड द हायर मेंबर्स शुड बिकम अनस्टेबल, उनको तो अनस्टेबल होना चाहिए था, और अगर वो ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब ज्यादा अच्छे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देंगे, लेकिन एक्चुअल में पाया गया कि ये कंपाउंड बट दीज आर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल, ये बहुत रिंग ओपनिंग रिएक्शंस देते ही नहीं है, ये तो बहुत स्टेबल कंपाउंड है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, तो दस बेयर स्ट्रेन थ्योरी कैन वेरी वेल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर एल्केन्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो थी वो लोअर एल्केन्स के केस में तो ठीक थी, वहां पर स्टेबिलिटी को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एंगल स्ट्रेन के बेसिस पर, कि जिसमें ज्यादा जितना एंगल स्ट्रेन होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा कंपाउंड, और वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना इजीली रिंग ओपनिंग रिएक्शंस दे देगा। तो लोअर एल्केन्स के केस में तो ये थ्योरी जो थी पास हुई, लेकिन हायर एल्केन के केस में ये थ्योरी बिल्कुल फेल हो गई। हाउएवर इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स कंटेनिंग 6 or more कार्बन एटम्स। जिन भी साइक्लो एल्केन्स में 6 कार्बन एटम्स थे या उससे ज्यादा थे, 7 थे, 8 थे, 9, 10 थे, वहां पर ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके कुछ लिमिटेशंस रही, तो वही लिमिटेशंस हम देखेंगे क्या लिमिटेशंस रही।
तो पहली लिमिटेशन ये थी कि अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन। भाई साइक्लोपेंटेन जो थी वो साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में 0 डिग्री का एंगल स्ट्रेन था और साइक्लोहेक्सेन में 5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन था, बिकॉज द फॉर्मर हैज लेस डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। फॉर्मर से मतलब साइक्लोपेंटेन से, तो साइक्लोपेंटेन में क्योंकि लेस डेविएशन था जबकि साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा डेविएशन था, लेकिन बट साइक्लोहेक्सेन इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, लेकिन साइक्लोहेक्सेन जो है वो ज्यादा स्टेबल पाई गई इन कंपैरिजन टू साइक्लोपेंटेन। वो क्यों स्टेबल पाई गई इसके लिए तो फिर नेक्स्ट थ्योरी आई थी, फिलहाल तो हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन रिंग कैन बी ओपनड अप बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन अप साइक्लोहेक्सेन रिंग अंडर सिमिलर कंडीशन। तो साइक्लोपेंटेन रिंग तो बहुत इजिली ओपन हो जाती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर हम उसको हीट करेंगे और उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो रिंग जो है ओपन हो जाएगी, यानी रिंग टूट जाएगी। लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन होती है, अगर यही कंडीशन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, तो साइक्लोहेक्सेन रिंग ओपन ही नहीं होगी। इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग ज्यादा स्टेबल है। तो द डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल आर ऑलमोस्ट द सेम फॉर साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेप्टेन। अब देखो साइक्लोब्यूटेन का एंगल स्ट्रेन 9 डिग्री है, ठीक है, और साइक्लोहेप्टेन की बात करें तब भी 9 डिग्री है, तो यानी दोनों का लगभग सिमिलर है, तो दोनों की स्टेबिलिटी भी फिर सिमिलर होनी चाहिए। तो दस अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी बी शुड बी इक्वली अनस्टेबल, तो वो उनमें जो स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन दिस हैज नॉट बीन फाउंड करेक्ट, लेकिन ऐसा सही नहीं पाया गया। एक्चुअली साइक्लोहेप्टेन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोब्यूटेन से, जबकि दोनों में स्ट्रेन कॉमन है, तो ये फिर लिमिटेशन रही, बेयर ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर बियॉन्ड साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के आगे यानी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वैलेंस एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, और वाकई में वो इंक्रीज हुआ। साइक्लोपेंटेन का 0 था, साइक्लोहेक्सेन में वो जो है 5 डिग्री हो गया, साइक्लोहेप्टेन में वो 9 डिग्री हो गया, वो बढ़ रहा था जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में बढ़ रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी हायर साइक्लोएल्केन्स शुड बिकम इंक्रीजिंगली अनस्टेबल, तो भाई उनको तो फिर अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन और ज्यादा रिएक्टिव एंड हैंस मोर रिएक्टिव होना चाहिए था। साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में अनस्टेबल होना चाहिए था, फिर साइक्लोहेप्टेन को साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में अनस्टेबल होना चाहिए था, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हायर साइक्लोएल्केन्स आर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल, जो भी हायर साइक्लोएल्केन्स थी वो ज्यादा स्टेबल पाई गई, दे डू नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, उनमें रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती ही नहीं थी। तो ये क्यों नहीं हो पाई ऐसा, तो ये सब लिमिटेशंस थी। बेयर ना इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने अपने एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग, एंगल स्ट्रेन तो निकाल लिया लेकिन उस एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग सिर्फ वो लोअर एल्केन्स को, तो लोअर साइक्लोएल्केन्स को तो एक्सप्लेन कर पाया, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, लेकिन हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गई वो थ्योरी। तो ये जो आज मैंने डिस्कस किया ये पूरी थी बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसकी लिमिटेशंस। अब इसको दूर कैसे किया गया, मतलब इन लिमिटेशंस को दूर किया फिर सेशे और मोहर ने, तो वो फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।